हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज़ एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज़ मैंने कवर की है वह न्यूज़ है कि महिला रेसलर की शिकायत पर भी आज तक जो है वो क्यों FIR नहीं लिखी है, ऐसा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा है। जी हाँ दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रमुख बृजभूषण शरद सिंह के खिलाफ कुछ पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन पहलवानों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। पहलवान विनेश फोगाट के साथ 6 अन्य महिला पहलवानों ने याचिका दायर करके ये मांग की है कि कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरद सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन पहलवानों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पहलवान विनेश फोगाट के साथ 6 अन्य महिला पहलवानों ने याचिका दायर कर ये मांग की थी कि बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। पहलवानों ने कहा कि उन्होंने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस में थाने में जो है वो शिकायत की थी, लेकिन इसके आधार पर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में महिलाओं का पक्ष रखा है। पहलवानों की ओर से लॉयर कपिल सिब्बल ने CJI DY चंद्रचूड़ के से कहा कि पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ महिला पहलवानों ने शिकायत भी की है। सिविल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। CJI ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि पहचान उजागर ना हो। इस पर सिविल ने कहा कि हाँ, हम नहीं चाहते हैं कि ये सामने आए। इस पर CJI ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की ओर से यौन उत्पीड़न के संबंध में यह एक गंभीर आरोप है और इस पर जल्द ही शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या है ये पूरा मामला। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। पहलवानों का आरोप है कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण होता है। इसके साथ ही महासंघ के अध्यक्ष पर तानाशाही और मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया है। जंतर मंतर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट का कहना था कि उनके कई पहलवानों पर जो है वो मेंटल टॉर्चर जो है वो किया जाता है और कई महिला पहलवान मेंटल टॉर्चर से जूझ रहे हैं और वह सुरक्षित नहीं फील कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत पर एक्शन ना लेने पर पहलवान रविवार को एक बार फिर से जंतर मंतर पर जुटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आरोपों को दोबारा से दोहराया था। इसके पहले भी जनवरी 2023 में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ कई पहलवान जंतर मंतर पर जुटे थे और अपनी बात रखी थी। हालांकि तब खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद पहलवानों ने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया था। अब दोस्तों कुछ कमेटी पर भी जो है वो काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। खेल मंत्रालय ने पहलवानों द्वारा लगाए गए प्रताड़ना के आरोप पर जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। जब पहलवानों ने कमेटी पर भी सवाल उठाए, विनेश फोगाट ने बताया कि मंत्रालय और कमेटी में 3 महीने से जो है वो जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना वक्त मिल रहा है और ना ही जवाब मिल रहा है। अध्यक्ष बृजभूषण के लिए कहा गया कि नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन कौन से लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और मौजूदा सभी पहलवानों ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई, लेकिन रिपोर्ट में क्या है कमेटी को जो है वो प्रॉपरली बताना चाहिए था, लेकिन कमेटी क्या कर रही है और कमेटी क्यों अपनी रिपोर्ट जो है वो नहीं बता रही है। इसमें पहलवानों ने साफ कहा है कि यह एक हैरेसमेंट वाला मुद्दा है और यह उनका जो है वो मेंटल टॉर्चर रेगुलरली किया जा रहा है। तो अब फाइनली जो पहलवान हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही इस मुद्दे पर शुक्रवार को अब सुनवाई होगी। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।